नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से मिमटीश के प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। क्वाइन मार्केट कैप की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग शिबा इनू क्वाइन के ट्रेडिंग वॉल्यूम के अंदर 304% की इंक्रीजमेंट देखी गई और यहाँ पे शिबा इनू क्वाइन ने 1.4 की सीरीज से लेके 1.7 तक का यहाँ पे रिकवरी दिखाया। उसी के साथ यहाँ पे एक और अनाउंसमेंट निकल के आ रही है और यहाँ पे सतोशी कुसामा की तरफ से एक ट्वीट आया है जिसके अंदर लिखा हुआ है CK1। अब यहाँ पे इसके पीछे कौन सा मकसद हो सकता है उसके ऊपर हम डिटेल के अंदर बात करते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि शिबा इनू क्वाइन की एक और यहाँ पे जो है वो नई जो है वो कोलैबोरेशन हमें देखने को मिल सकती है या फिर हमें शिबा इनू क्वाइन को एक बहुत बड़ी कंपनी की तरफ से एडॉप्शन भी हमें देखने को मिल सकती है। सो भैया, वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना भूलिएगा क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन प्रोवाइड करता है सेकेंड वीडियो बनाने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिबा इनू न्यूज की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग शिव डेवलपमेंट टीम इज क्लोज टू रिलीजिंग ए न्यू अनाउंसमेंट अबाउट ए अपग्रेड ऑफ एन अपकमिंग कोलैबोरेशन। अभी यहाँ पे जो है वो एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ शिबा इनू क्वाइन की कोलैबोरेशन समय देखने को मिल सकती है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि शिबा इनू क्वाइन बहुत बड़ी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है और ऐसे में बहुत टाइम हो चुका है लेकिन कुछ भी यहाँ पे अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिली। लेकिन अभी यहाँ पे जो है वो कुछ एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि CK1 के पीछे एक बहुत बड़ी कंपनी हो सकती है और यहाँ पे शिबा इनू क्वाइन की एडॉप्शन भी हमें देखने को मिल सकती है। उसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाचे गुरु की न्यूज के अकॉर्डिंग इस चीज को यहाँ पे क्लियर किया गया है। उससे पहले अगर हम बात करें शिबा इनू क्वाइन के होल्डर्स की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिबा इनू क्वाइन के होल्डर्स के अंदर हमें इंक्रीजमेंट देखने को मिल रही है और यहाँ पे इस डंप का फायदा उठा के काफी ज्यादा लोग जो है वो शिबा इनू क्वाइन को परचेज करने में लगे हुए हैं और यहाँ पे जो है वो एक अच्छा मौका मिल रहा है शिबा इनू क्वाइन को अपने पॉकेट में ऐड करने का और यहाँ पे वही हो रहा है और यहाँ पे शिबा इनू क्वाइन को बड़ी क्वांटिटी के अंदर एक बार फिर से परचेजिंग के ऊपर डाला जा रहा है। CK1 के पीछे बहुत सारी चीजें हो सकती है और यहाँ पे वाचिक गुरु ने इस चीज को क्लियर किया है और यहाँ पे जो है वो कहा ये जा रहा है कि शिबा इनू क्वाइन की एक और पार्टनरशिप हो सकती है, उस कंपनी का नाम बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिबा इनू क्वाइन की कैल्विन क्लीन के साथ जो है वो पार्टनरशिप हमें देखने को मिल सकती है जो कि एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल ब्रांड है और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि या फिर CK1 का मतलब ये भी हो सकता है कि शिबा इनू क्वाइन जो है वो कैल्विन क्लीन के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप नहीं कर रहा है या फिर शिबा इनू क्वाइन के जो है वो अपकमिंग प्लान्स के अंदर कुछ ऐसी यहाँ पे भैया जो है डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिले जो कि शिबा इनू क्वाइन के इकोसिस्टम के अंदर ऐड की हो या फिर CK1 के बारे में यहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि भैया गेम के अंदर कुछ ऐसी चीजें आ सकती है जो कि हम तमाम दोस्तों को देखने को मिले। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि शिबा इनू क्वाइन की डेवलपमेंट्स काफी ज्यादा तेजी से हो रही है। कुछ लोग ये गैस कर रहे हैं कि CK1 के पीछे कुछ यहाँ पे गेम की अपडेट्स भी देखने को मिल सकती है। सो भी हमें भी वेट करके देखना चाहिए क्योंकि ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से यहाँ पे कोई ऐसा ट्वीट नहीं आया है और यहाँ पे जो है वो अनाउंसमेंट बहुत ही जल्द हो जाएगी लेकिन हमें थोड़ा सा जो है वो सब्र और एहतिकाम से जो है वो काम लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे शिबा इनू क्वाइन की प्राइस जैसे ही डंप में गई है तो भैया लोग यहाँ पे चीखना चिल्लाना स्टार्ट कर चुके हैं। आपको पता होना चाहिए कि शिबा इनू क्वाइन की प्राइस के अंदर 6-7 पहले थे, अभी यहाँ पे जो है वो अपवर्ड के अंदर जिन लोगों ने एंट्री ली है वो यहाँ पे भैया जो है वो बहुत ज़्यादा चीख रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि भैया ये एक बेवकूफ़ी वाला काम है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के अंदर ये चीज़ें होती ही रहती है और इस तरीके के जो डंप्स हैं वो हम आज नहीं देख रहे हैं, ऐसा कुछ पहले भी हम देख चुके हैं और यहाँ पे शिबा इनू क्वाइन बहुत ही जल्द रिकवरी भी करता है। सो भैया, पैनिक सिचुएशंस के अंदर अगर आप यहाँ पे इस तरीके का जो है वो माहौल बनाएंगे तो आप जो है वो इस तरीके से अंदर डिप्रेशन में आके अगर टोकन को सेल कर देंगे तो भैया आपका एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। सो भैया, इस सिचुएशन को आपको हैंडल करना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी के अंदर आज तक ऐसा कोई टोकन नहीं रहा है जो कि तकरीबन जो है वो प्रॉफिट में ही हो। बिटकॉइन की प्राइस भी 50,000 से लेकर नीचे आ चुकी है 37,000 और यहाँ पे 33 और 30 की सीरीज में चल रही है। तो भैया शिबा इनू क्वाइन एक मीम टोकन है, उसके ऊपर भी इस चीज़ का असर पड़ता है तो आपको इस चीज़ को समझना चाहिए। इस टोकन की डेवलपर टीम जो है वो दूसरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और यहाँ पे 2 के अंदर जो अचीवमेंट शिबा इनू क्वाइन ने दिखाई है और जिस तरीके का प्रॉफिट शिबा इनू क्वाइन ने दिया है, मैं नहीं समझता हूँ कि आज तक कोई भी ऐसी क्रिप्टो करेंसी इस तरीके से राइज हुई हो और शिबा इनू क्वाइन के साथ यहाँ पे मुकाबले में अंदर आ सकी हो। तो भैया ऐसे में पैनिक सिचुएशन के अंदर और नेगेटिव कमेंट्स करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आपको होल्ड करना होगा और यहाँ पे कोशिश करके आपको अपने टोकन्स को बचाना होगा क्योंकि जब मार्केट रिकवर होगी तो आप इसी टोकन के साथ एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। मेरा पोर्टफोलियो भी काफ़ी ज़्यादा माइनस में गया है लेकिन मैं जो है वो इस सिचुएशन के अंदर बैंग कर रहा हूँ और यहाँ पे टोकन्स को एक बार फिर से जो है वो होल्ड कर रहा हूँ अपने पोर्टफोलियो के अंदर क्योंकि मुझे इस चीज़ के ऊपर उम्मीद है कि शिबा इनू क्वाइन डेफिनेटली वन डे फुलफिल माई ड्रीम्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको मिम टीच की तमाम
वीडियोस काफी हद तक पसंद होगी। अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव न्यूज शिबाइन कॉइन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का घंटा प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्टेंट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हरे कृष्णा।